हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके जीसस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने सीटेट 2018 एग्ज़ाम दिया था। सीटेट 2018 का परिणाम कल घोषित कर दिया गया है। कल रात में इसका रिजल्ट आया है, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो लोगों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग सफल नहीं हुए, वो लोग फिर से मेहनत करें और अगली परीक्षा में बैठें, वो लोग भी सफल होंगे। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें, उसको हम दिखाएंगे आपको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें क्या दिया गया उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें कहा गया है, CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का परिणाम 25वें दिन ही घोषित कर दिया है। CBSE के मुताबिक पहली बार 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं। देश के 2100 से ज़्यादा केंद्रों पर 9 दिसंबर 2018 को यह परीक्षा हुई थी। शुक्रवार को घोषित परिणाम के मुताबिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक 1 से 5 के लिए 1,78,273 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इस श्रेणी के लिए 10,73,545 लोगों ने परीक्षा दी थी। और वहीं माध्यमिक कक्षाओं में 6 से 8 के शिक्षकों की श्रेणी में 1,26,968 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके लिए 8,78,425 लोगों ने आवेदन किया था। ये तो था कि आपका परिणाम घोषित कर दिया गया है, आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सीटेट टाइप करेंगे, फिर आएगा seated.nic.in। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ये आपका ऑप्शन खुलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, सीटेट रिजल्ट 2018 न्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे आएंगे, सीटेट 2018 रिजल्ट, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनाउंस्ड ऑन 4 जनवरी इस पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे अपना इंटर रोल नंबर सबमिट करना है। आप यहाँ पे अपना जब रोल नंबर सबमिट करेंगे तो आपका रोल नंबर सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी लेटेस्ट जानकारी चाहिए होगी किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोग भी देख पाएँ, उनको भी जानकारी हो पाए। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।